अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, आज की जो मेरी वीडियो में वो मैंने स्पैगेटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बच्चों को माइक्रोनी, स्पैगेटी, पास्ता ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैं किस तरीके से स्पैगेटी बनाती हूँ, अच्छा मैं स्पैगेटी जिस तरीके से बनाती हूँ ना, उसमें जो मेरे बच्चे हैं ना वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, ठीक है? तो मैं जो हूँ उसमें मशरूम, चिकन और आलू वगैरह कट करके ये चीज़ें डाल लेती हूँ, चाहे मैंने माइक्रोनी बनानी है चाहे स्पैगेटी बनानी है। तो जनाब मैं आपसे शेयर करूंगी आज के स्पैगेटी जो है, जिन बच्चों के, जिन माओं के बच्चे जो है वेजिटेबल्स नहीं खाते या वो खुद वेजिटेबल्स नहीं खाते अगर स्पैगेटी और माइक्रोनी के अंदर, तो घर में हम कितनी आसान तरीके से जो है स्पैगेटी बना सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। तो जनाब आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, चले जी चल के देखते हैं रेसिपी में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब यहाँ पे देखें, ये मैं पहले आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ स्पैगेटी की, कि स्पैगेटी में क्या कुछ डलेगा और फिर मैं आपको साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ, ठीक है? अच्छा जनाब यहाँ सबसे पहले मेरे पास योगर्ट है, ठीक है? इसके मैं 6 स्पून या 5 स्पून लूँगी। यहाँ मेरे पास कुटी हुई प्याज है या मशरूम है और ये बोनलेस चिकन है जो वॉश करके इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बना के रखी हुई हैं। आलू है यहाँ पर और टमाटर है और यहाँ पर मेरे पास सारे स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और चाट मसाला है, ठीक है? और पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ, पिंक सॉल्ट है। अच्छा जनाब यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाली सॉस है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये माइक्रोनी में, स्टेक की हुई चीज़ों पे और स्पैगेटी वगैरह में डलती है, ठीक है? और ये है मेरे पास चिली सॉस है, ठीक है, ये डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये मेरे पास है सोया सॉस। अच्छा मटर का मौसम नहीं है, इसमें आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। गाजर मेरे पास पड़ी है लेकिन मैं खुद ऐड नहीं कर रही क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये मेरे पास स्पैगेटी का इस तरीके से पूरा पैकेट है, ठीक है? अच्छा जनाब अब स्टार्ट करते हैं, बारी बारी चीज़ें मैंने आपको सारी दिखा दी हैं जो स्पैगेटी में डलेंगी और अब चलते हैं बनाते हैं। सबसे पहले जो है प्याज मैं सॉस पैन के अंदर डालती हूँ पतीले के अंदर और इनको हल्का हल्का ब्राउन करती हूँ। हाँ जी जनाब, प्याज जो है मैंने इस तरीके से, ठीक है, ऑयल डाल के ऐड कर लियो। ऑयल जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो डाला है और यहाँ पे भी साथ पतीले में पानी चढ़ा दिया है ताकि हम उसमें स्पैगेटी बॉयल कर सकें। और उस पानी के अंदर भी जो है मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी, ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप्स बस, डेट्स इट, ठीक है, ताकि स्पैगेटी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, खिचड़ी से नहीं बने, अलग अलग रहा है। अच्छा जनाब अब यहाँ हम हल्का हल्का प्याज भूनते हैं अपना और फिर साथ साथ हल्के हल्के करके हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है जी? जनाब प्याज ब्राउन हो गए तो मैंने उसके अंदर जो है चिकन ऐड कर दिए ब्राउन करने के बाद, उसके बाद मैंने आलू भी साथ ही ऐड कर दिए हैं और टमाटर भी साथ ही ऐड कर दिए हैं, ठीक है? अब जो है मैं इसके अंदर ये जो मशरूम मैंने कट करके रखी थी ये ऐड कर दूंगी, ठीक है, सारी ये ऐड कर दी मैंने इसके अंदर और जितने भी ये सारे स्पाइसेस थे ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और नमक वगैरह फिर बाद में चेक कर लूंगी और नीड हुई तो और डाल दूंगी, ठीक है? अच्छा जनाब अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसके अंदर जो सॉसेस मैंने आपको बताई थी वो सारी मैं ऐड करती हूँ, ठीक है? साइमा क्या कह रही है सुनो। अच्छा जनाब योगर्ट मैंने सारा ऐड कर दिया है, ठीक है, मैंने जो है ये जो प्याला बनाया हुआ था मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया है, डिपेंड ऑन यू अब आप कितना रखना चाहते हैं, इससे ये कि थोड़ी क्रीमी क्रीमी मज़ेदार बन जाएंगी, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर सारा योगर्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे साथ में पतीले में मैंने पानी चढ़ाया हुआ है, बॉयल होगा तो उसमें हम स्पैगेटी ऐड करेंगे जब तक यहाँ इसका मसाला तैयार होता है। और साथ साथ जो है मैं अब जो हूँ इसमें ये वाली सॉसेस ऐड करती हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है, ये वाली सॉस ऐड करती हूँ और ये चिल्ली सॉस और सोया सॉस ऐड करती हूँ, ठीक है? एक एक चम्मच लूँगी, तीनों में से एक एक स्पून इसमें ऐड करूँगी, ठीक है? अच्छा जनाब इसके अंदर मैंने सारा कुछ अब ऐड कर दिया, सारे सॉसेस ऐड कर दिए, ठीक है? और हाँ जी तुम वीडियो में कम ध्यान दो, ये वाले बर्तन हाथ के हाथ जो है ना पानी मार दो इनको। अच्छा। क्या कर रहे थे, इतना शोर हो रहा था ऊपर, तो अब हमने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है? इसके अंदर जो ये पानी पानी सा है ये खुश्क हो जाए, ठीक है? उसके बाद हम जो है इसके अंदर नमक ऐड करते हैं। जी जनाब पानी मैंने इसके अंदर सॉरी नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी के और जो है यहाँ पे ये मसाला बन रहा है, अब इसको हम जो है ढाम के रख देंगे, ठीक है? ये जब तक भुनता है, भुनाई के बाद मैं इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाती हूँ, ठीक है?
अच्छा भाई, स्पैगेटी मैंने इसमें ऐड कर दी है ये देखें, और हाफ हाफ करके ऐड की है। पूरी पूरी साबुत मैंने नहीं डाली, उसमें से मैंने इसके तीन पीस किए हैं, मतलब टुकड़े किए हैं मैंने इसके, और तीन हिस्सों में करके फिर मैंने इसको पानी में डाल दी है। अब जब तक ये बॉयल होती है, साथ में मसाला रेडी होता है, फिर इसको जो है पानी निकाल के ड्राई करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी, फिर दोनों को मिक्स कर दूंगी और फिर आपके सामने आ जाऊंगी। ठीक है जी जनाब, स्पैगेटी जो है वो बॉयल हो गई थी, मैंने डाली थी और मैंने इस तरीके से इसको छन्नी से छान कर और इसका सारा पानी निकाल दिया। अब मैंने स्पैगेटी अलग कर ली है और मसाला रेडी होता है तो हम उसमें ऐड करते हैं। मसाले की सूरत हाल कुछ इस तरीके की है, बस इसका बिल्कुल पानी अच्छे से खुश्क होने वाला है, अच्छे तरीके से भुन जाए ताकि इसमें चिकन और आलू सब कुछ गल जाए, फिर हम स्पैगेटी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, जी जनाब पानी इसका खुश्क हो गया है। ठीक है, अब जो है हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड करते हैं, चूल्हा हल्का करते हैं, थोड़ा सा और चूल्हा तेज करके इसको पका लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये ऑयल छोड़ दे। ठीक है, हाँ जी, तुम सीख रहे हो मेरे पास खड़े हुए क्या? तुम सीख रही हो? अच्छा, फिर अगली दफा तुमसे बनवाऊंगी। ठीक है, और यहाँ साथ साथ ड्रामा भी देख रही हूँ, और सायमा ने यहाँ चाय बना के रखी है, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है बाहर। हाँ जी जनाब, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है, सारा भुन भुन गया है। अब जो है अब स्पैगेटी डालने वाला टाइम आ गया है। ठीक है, मसाला बहुत अच्छे से बन गया, आपको कलर से अंदाजा हो गया होगा। अच्छा जी, ये देखें स्पैगेटी ऐड करती हूँ। जी जनाब, ये इसकी फाइनल लुक है। ठीक है, अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गई है और सब कुछ इसके अंदर ही आ गया है जो भी था। अब इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मैं मिक्स करूँगी। बस जनाब, ये थी रेसिपी। हाँ जी जनाब, बस ये थी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है, आई मीन सो वीडियो को लाइक कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मजीद अगर कोई वीडियो, कोई खाने की रेसिपी, कोई मेकअप से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप लोगों ने देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो लेकर मैं आ जाऊँगी। तो जनाब, आई होप सो आपको ये छोटी सी एफर्ट मेरी अच्छी लगी होगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।